इसलिए विशेष है कि होली का जो त्यौहार है ये ऐसा त्यौहार है कि इसमें रंग है, अबीर है, गुलाल है, नृत्य है, उत्सव है, ये मस्ती का एक महोत्सव है। आइए इस मस्ती के महोत्सव में आप सबको शामिल करते हैं, अपने प्यारे प्यारे दर्शकों को भी शामिल करते हैं। हम रंगोत्सव के इस कार्यक्रम में अपने तमाम रंगीले कवियों के साथ आप सबके समक्ष यहाँ प्रस्तुत हैं। लेकिन किसी भी त्यौहार में, किसी भी परंपरा में सबसे पहले हम अपने देवताओं का आशीर्वाद लेते हैं, बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं। तो आइए सबसे पहले माँ सरस्वती का आशीर्वाद लेते हैं। मैं वीणा पाड़ी की वंदना के लिए मैं शीतल वाजपेयी को आमंत्रित करता हूं कि वो यहां पर माँ सरस्वती की वंदना प्रस्तुत करें और उसके बाद हम लोग इस हास परिहास के इस उत्सव को जिएंगे। स्वागत। न्यूज़ के सभी दर्शकों को रंगोत्सव की बहुत बहुत बधाई। माँ वाणी के चरणों में शब्द प्रसून अर्पित करने का आदेश हुआ है। मैं माँ की चरणों में कुछ शब्द स्वागत। शुभ्र वस्त्रावृता नेह उर्मेलिये, शुभ्र वस्त्रावृता नेह उर्मेलिये, माँ चली आओ तुम वीण कर मेलिए, शुभ्र वस्त्रावृता नेह उर्मेलिये, माँ चली आओ तुम वीण कर मेलिए, शुभ्र वस्त्रावृता। तुमसे ही आस है, तुम पे विश्वास है, क्या नहीं फिर मेरा माँ जो तू पास है। तुमसे ही आस है, तुम पे विश्वास है, क्या नहीं फिर मेरा माँ जो तू पास है। नाम तेरे सभी एक स्वर में लिए, नाम तेरे सभी एक स्वर में लिए, माँ चली आओ तुम वीण कर में लिए, शुभ्र वस्त्रावृता। वेद की हर ऋचा में समाहित हो तुम, क्या बात है, क्या बात। मेरे मन प्राण में माँ प्रवाहित हो तुम, क्या कहने। वेद की हर ऋचा में समाहित हो तुम, मेरे मन प्राण में माँ प्रवाहित हो तुम, बस यही प्रार्थना हूँ अधर में लिए, बस यही प्रार्थना हूँ अधर में लिए, माँ चली आओ तुम वीण कर में लिए, शुभ्र वस्त्रावृता नेह उर्मेलिये, माँ चली आओ तुम वीण कर मेलिए। माँ चली आओ तुम वीण कर मेलिए, जब उसकी वीणा और उसका संगीत हम सबकी जिंदगी में प्रवाहित होगा तभी तो उत्सव, तभी तो त्योहार मनेंगे। क्या बात। यही है जिंदगी मेरी, यही है बंदगी मेरी, तेरा नाम आया और गर्दन झुक गई मेरी। माँ को हम सब ने प्रणाम किया कि होली का त्योहार भी कैसा है त्योहार, होली का त्योहार भी कैसा है त्योहार, रंगों से ही दे रहे एक दूजे को प्यार। आइए हम सब प्यार बांटते हैं कि देखिए ये विशेष क्यों है त्योहार कि गेहूं गदराया हुआ और सरसों हुई जवान, गेहूं गदराया हुआ सरसों हुई जवान, और फागुन दस्तक दे रहा पागल भया किसान। क्या बात। तो फागुन भी दस्तक दे रहा, गेहूं गदराया हुआ है, लेकिन जिस कवि को मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं उसकी पूरी फसल गायब है। कहीं कोई गेहूं गदराया नहीं हुआ है। जहां बारिशें ना हो वहां की फसलें खराब हो जाती हैं, और जहां संस्कार ना हो वहां की नस्लें खराब हो जाती हैं। क्या बात। तो ये इसके सर की फसल तो खराब है,
लेकिन संस्कार की फसल बड़ी मजबूत है। आइए मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ एक ऐसे कवि को जिसको आप देख रहे हैं, इसकी खासियत भी देख रहे हैं कि गंजापन किसी गंजे को भाता नहीं है, गंजापन किसी गंजे को भाता नहीं है, और ये ऐसा रोग जो आके जाता नहीं है। है कौन ऐसा गंजा जो हसीनों के आगे शर्माता नहीं है, है कौन ऐसा गंजा जो हसीनों के आगे शर्माता नहीं है, और चीख चीख कर पूछ रहे हैं गंजे क्यों डॉक्टरों को इसका इलाज आता नहीं। क्या बात है, वाह 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 वाह। हो सकता है बाल में कमी हो लेकिन कविता में सामर्थ्यवान भाई संतोष सावन को आपके बीच प्रस्तुत करता हूँ तालियों के बीच। आइए संतोष। धन्यवाद बड़े भाई श्रवण जी, और सबसे पहले मैं के न्यूज़ को धन्यवाद देना चाहूँगा कि एक साल बाद आपने मुझे बुलाया, और के न्यूज़ के दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। एक्चुअली जहाँ जिसको बता रहे हैं फसल गायब है भैया, फसल कटी है फिर आएगी क्या क्योंकि यही प्रकृति का नियम है, फसल आती है जाती है कटती है, और गंजत्व पर हम तो बहुत खुश हैं। क्या बात है, क्योंकि एक विशेष त्यौहार आता है तब हमारी डिमांड इतनी बढ़ जाती है कि पूछिए मत, मोबाइल पर वो फोटो भेज भेज के लोगों के व्रत टूटते हैं। आज मैं जब घर से चला था तो सच बताएं कोरोना ने राजनेताओं को तो नहीं मारा, हम कवियों को खूब मारा। क्या बात। अब जब घर से चला था तो कॉन्फिडेंस नहीं था, यहाँ आया देखा तो आपके अगल बगल दो लोग बैठ गई थी तो आपका कॉन्फिडेंस लूज होते देखा, जब शीतल जी पढ़ रही थी पतिदेव सामने थे तो इनके में तो कॉन्फिडेंस था, लेकिन यहाँ आने के बाद हमारे साथ भी कुछ ठीक ठाक हुआ। बगल में खूबसूरत पल्लवी जी को आप लोगों ने बैठा दिया, सच मानिए कॉन्फिडेंस आ गया है फुल। अब आपको संतोष हुआ। थोड़े सा होली का मौसम है, होली का ये कार्यक्रम है, और हम कुछ राजनीतिक जोगीरा पढ़ते हैं। क्या बात है, स्वागत है, सहयोग चाहूंगा, जहाँ टेक लगाना हो आप लगाइएगा। क्या बात है, स्वागत स्वागत। कि टिकट वास्ते कोबरा बन कर छोड़ा था फुफकार, छोड़ा था फुफकार रे भैया, छोड़ा था फुफकार, टिकट काट कर मिला उसे अडवाणी वाला प्यार, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। टैगोर वाली दाढ़ी टैगोर वाली चाल, टैगोर वाली दाढ़ी उनकी टैगोर वाली चाल, राजनीति में एक्टिंग का तड़का लगा कमाल, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। और एक और है कि भैया खेले रंग जमा कर भौजी खेले गुलाल, भैया खेले रंग जमा कर भौजी खेले गुलाल, भौजी खेले गुलाल रे भैया, भौजी खेले गुलाल, एक टांग पर ममता दीदी जमके भरे उछाल, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। कोरोना ने भारत पर फिर से किया प्रहार, कोरोना ने भारत पर फिर से किया प्रहार, फिर से किया प्रहार रे भैया, फिर से किया प्रहार, बंगाल की रैली से उसने माना हार, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। प्रिय प्रदेशवासियों, आपको सपरिवार होली की हार्दिक शुभकामनाएं। होली के रंग आपके जीवन में खुशहाली और समृद्धि लेकर आए, मेरा आपसे यह भी अनुरोध है कि इस पावन पर्व पर कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु सभी सावधानियों का कड़ाई से पालन करें। नमस्कार। मैं हूं सुनील पाल, आपका कॉमेडी का लाल, और मेरी तरफ से और के न्यूज़ की तरफ से आपको होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। बहुत अच्छा माहौल होगा होली का, आपके सारे दुख दर्द को जला के राख करने की माँ होली का। रंगारंग रहिए, आपके सारे सपनों के रंग खिल के आए, खुल के आए, यही प्रार्थना करता हूँ, और सारे दुख दर्द दूर हो जाए, यही माँ होली का के चरणों में प्रार्थना करता हूँ। हैप्पी होली के न्यूज़ की तरफ से।
नमस्कार दोस्तों, के इंडिया न्यूज को मेरी तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं, आभार और अभिनंदन। होली रंगों का त्यौहार है और आप सब लोग इसे हर्ष और उल्लास से मनाइए। हैप्पी होली। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। चंदन अभी बता रहे थे पिछली साल, हालांकि अपनी भी बात होती है तो मैं दूसरे के सहारे से कहता हूं। क्या बात है कि घर में जब दोनों लोग भांग खा लेते हैं तो क्या बात है, होता क्या है, मैं एक छंद के माध्यम से उसको स्वागत है। स्वागत है कि रंग ने उमंग लिया मदन का संग किया, कि रंग ने उमंग लिया मदन का संग किया, गोरिया के अंग अंग मुस्कान छा गई। क्या बात है, वाह वाह वाह। रंग ने उमंग लिया मदन का संग किया, गोरिया के अंग अंग मुस्कान छा गई। माई बाबा लाड़ प्यार, माई बाबा लाड़ प्यार, सखियों का संग छोड़ आधी पानी जैसे भौजी पिया घर आ गई। देखा भैया खेल रहे माधुरी के गोद में तो, देखा भैया खेल रहे माधुरी के गोद में तो, पांच गोला भांग भौजी गुड़ संग खा गई। हुआ घमसान पार पार्टी चर पाई टूटी, मुखिया ने फोन किया एम्बुलेंस। क्या बात है, हालांकि बढ़िया बढ़िया। मैं भांग और मदिरा का समर्थन नहीं करता, तब मैं एक छंद लिखता हूँ और स्वागत है। कि लाल हरा नीला पीला रंग है बहुत खेले, कि लाल पीला हरा नीला रंग है बहुत खेले, भाई बंधु वाला अब रंग चाहता हूँ मैं। क्या बात, लाल पीला हरा नीला रंग है बहुत खेले, भाई बंधु वाला अब रंग चाहता हूँ मैं। जाति धर्म छोड़े जोड़े नेह वाली डोर को, कि जाति धर्म छोड़े जोड़े नेह वाली डोर को, घर घर शांति और उमंग चाहता हूँ मैं। तो भांग और मदिरा कर दे समूल यंत, ऐसा कोई देश में दबंग चाहता हूँ मैं। कण कण धरती भिगोए प्रेम रंग से जो, घन कोई ऐसा ही मतंग चाहता हूँ। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। प्रेम की बात आ गई है तो ये होली वास्तव में होली प्रेम का त्योहार है। ठीक बात, रंग और गुलाल के बहाने एक दूसरे से प्रेम करना सिखाता है। अब प्रेम की बात आ गई है तो प्रेम का एक तरीका, प्रेम का एक प्रकार मैं एक छंद से आपको बताता हूँ। स्वागत स्वागत। कि जेठ की दोपहरी में ओढ़नी सजाई माथे, कि जेठ की दोपहरी में ओढ़नी सजाई माथे, मन की ओढ़नी का तार बन जाऊं मैं। वाह, ये भी प्रेम है। कि जेठ की दोपहरी में ओढ़नी सजाई माथे, मन की ओढ़नी का तार बन जाऊं मैं। अब बारिश में केस फहरा के छूमने लगी तो, कि बारिश में केस फहरा के छूमने लगी तो, मन की सावनी फुहार बन जाऊं मैं। क्या बात, कि बारिश में केस फहरा के छूमने लगी तो, मन की सावनी फुहार बन जाऊं मैं। उम्र का रंग चढ़ा खिल के गुलाब हुई, उम्र का रंग चढ़ा खिल के गुलाब हुई, मन किया उसका वो हार बन जाऊं मैं। मन मीत तो हो न सका डोली उठने लगी तो, मन किया उसका कहार बन जाऊं। प्रेम का बहुत परिष्कृत रूप है, लेकिन प्रेम का एक और रूप बताता हूँ मैं एक क्षण से उसको भी बताता हूँ। कि नजरों से नजर मिली थी उनसे, जैसे ही झन झन मनवा का तार बजने लगा। क्या बात, क्या बात, क्या बात, क्या बात। कि नजरों से नजर मिली थी उनसे, जैसे ही
झन झन मनवा का तार बजने लगा, अहुए मद होश निज ज्ञान शून्य हो गया था, मधुर मधुर नव राग सजने लगा, कल्पना उड़ान भरी मुक्त था आकाश सारा, ख्वाब जग और अनुराग जग, कदम बढ़ाए जो ही खींच के तमाचा लगा, अंधेरा और सितार बजने, क्या बात है, वाह वाह वाह, ये भी एक प्रेम ही है। और एक प्रेम और बताता हूँ, एक तरह का और प्रेम होता है। स्वागत है पल्लवी जी, आप ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुन रहे हैं, अभी आप कह रही थी, मैं अभी आप बता रही थी कि पुरुष हमेशा से भ्रमित है कि वो खूबसूरत है, लेकिन अब पुरुषों की बात सुनिए। स्वागत करिए। पत्नी जी बोली एक दिन मुस्काते हुए, तेरा एक मित्र तो दीवाना मेरा भारी है। होता क्या है ना फेसबुक पर, क्या बात, उनको वो लाइक कर दिया, भ्रम हो जाता है कि पत्नी जी बोली एक दिन मुस्काते हुए, तेरा एक मित्र तो दीवाना मेरा भारी है। क्या बात है। पति बोला जानता हूँ ज्यादा इतराओ नहीं, पति बोला जानता हूँ ज्यादा इतराओ नहीं, अब्दुल करीम से तो पक्की मेरी यारी है। पत्नी जी बोली हाय राम कैसे जान गए, हमें भी बता दो बीच बात कोई न्यारी है। पति बोला बस एक अब्दुल करीम ही तो मेरे सारे मित्रों में कबाड़ का व्यापारी है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार अपने दावे और वादे पर खरी उतरी है। अपने दमदार काम से प्रदेश में विकास की गति देते हुए यूपी को संवार रही है। यूपी में जो 70 सालों से नहीं हुआ, उसे योगी सरकार ने 4 सालों में कर दिखाया है। राजकीय विद्यालयों में आधुनिक तकनीक के माध्यम से शिक्षा, प्रतियोगी छात्रों को कोचिंग की सुविधा के लिए मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना, बीते 70 सालों में सबसे अधिक विकास योगी सरकार में हुआ है। आगामी 50 सालों के लिए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का आधार तैयार किया, 15 लाख से अधिक लोगों का कोरोना वैक्सीनेशन आयुष्मान योजना में, 1.18 करोड़ परिवारों को 5 लाख का कवर दिया, 40 लाख से अधिक प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति और निर्माण, 4 सालों में 4 लाख से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी, गन्ना किसानों को 1.25 लाख करोड़ का रिकॉर्ड भुगतान, 341 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का तेजी से निर्माण, 2.61 करोड़ शौचालयों का निर्माण कराया। योगी सरकार ने विकास की दृढ़ इच्छा शक्ति से अपने काम के दम पर यूपी की तस्वीर बदल कर रख दी है। काम दमदार योगी सरकार। जब आपकी सोच को अंधेरा घेर लेता है और सिस्टम भी मुंह फेर लेता है, जब वादों की परतें खुलने लगती हैं और हारी उम्मीदों का ऊंचा ढेर लगता है, जब सड़क पर एड़ी की रगड़ देखकर अब तक जो भी हुआ सब बेअसर लगता है, तब चिंतन से डगर होगी आसान, मंथन से निकलेगा समाधान, मंथन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। होली तक लेके आए अपने छंदों के माध्यम से भाई संतोष सावन, क्या बात। और ये अपने आप में बड़ा सौभाग्यशाली महसूस कर रहे हैं कि ये पल्लवी के बगल में बैठे उसके चेहरे की चमक के सामने सादा लगा उसके चेहरे की चमक के सामने सादा लगा, चांद पूरा था मगर आधा लगा। क्या बात है, वाह वाह वाह। तो चमक चांद में है, संतोष भाई के भी है,
और उनके बगल में भी है। लोग प्रेम में पूर्ण होना चाहते हैं, लोग प्रेम में पूर्ण होना चाहते हैं, मगर मैं आधा होना चाहती हूँ। अरे कृष्ण मैं तेरी राधा होना चाहती। होली के अपने कुछ गीत लेकर, अपने कुछ छंद मुक्तक लेकर पल्लवी त्रिपाठी को मैं आमंत्रित करता हूँ कि के न्यूज की तरफ से वो आज का अपना काव्य पाठ अपने गरिमावान दर्शकों तक पहुंचाएं। पल्लवी त्रिपाठी, आइए हम सब तालियां बजाते हैं उनका सम्मान। आइए पल्लवी। के न्यूज के सभी प्रिय दर्शकों को, श्रोतागणों को होली की सादर शुभकामनाएं, और इस शानदार टीम में शानदार संचालन के लिए यहाँ पर मैं उपस्थित हूँ, ये मेरा सौभाग्य है। जहाँ से आपने जिस तरह से मुझे आमंत्रित किया कृष्ण और राधा जी को याद करते हुए, तो मैं मेरे काव्य पाठ की शुरुआत इस काव्योत्सव के, इस रंगोत्सव के कार्यक्रम की शुरुआत मैं वहाँ से ही करती हूँ। ये जो प्रेम के रंग के जो इष्ट हैं भगवान श्री कृष्ण, उनको याद करते हुए करते हुए एक बार आप सब चलिए ब्रज की गलियों में, देखिए वहाँ पे क्या है। होली का मौसम, रंगों का सावन, मनुआ की डाली पे झूले पड़े हैं। होली का मौसम, रंगों का सावन, मनुआ की डाली पे झूले पड़े हैं। धरती है नीली, अंबर हरा है, फाग में भांग की मस्ती चढ़े हैं। और रास रचैया रंगने ना पाए, रास रचैया रंगने ना पाए, गोपियों के बाबा द्वार खड़े हैं। और अंग से अंग मिला के रंगेंगे, लेके गुलाल कन्हैया अड़े हैं, लेके गुलाल कन्हैया अड़े हैं। अंग से अंग मिला के रंगेंगे, लेके गुलाल कन्हैया अड़े हैं। अब देखिएगा कृष्ण जी की लीला कैसे वो रंगने पहुंचते हैं, कि घर में है कान्हा, द्वारे पे कान्हा, कान्हा ही जाने का लीला गढ़े हैं। घर में है कान्हा, द्वारे पे कान्हा, कान्हा ही जाने का लीला गढ़े हैं। खेच दई ने है की पिचकारी, रंग लगा जो धोए चढ़े हैं। लाल गुलाबी न नीला न काला, लाल गुलाबी न नीला न काला, प्रेम के रंग ना दूजा चढ़े हैं। और होली दिवाली वो रोज मनावे, जो नेह के ढाई आखर पड़े हैं, जो प्रेम के ढाई आखर पड़े हैं। होली दिवाली वो रोज मनावे, जो प्रेम के ढाई आखर पड़े हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत 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 धन्यवाद। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि ये जो प्रेम का त्योहार है, प्रेम के बहुत सारे रूपों की बात होगी, रंगों के रूप की बात होगी, मैं एक रंग की बात करती हूँ। अभी बसंत भी अभी अभी आके जाता है, एक नई नई दुल्हन अपनी ससुराल में है जिसकी पहली होली है, अजीब सी समस्याएं होती हैं, उमंग होली की है लेकिन ससुराल नया है, तो पहले तो उसे खूबसूरत जो नवविवाहिता है उसका दृश्य रखिए अपने मन में, छंद का आनंद लीजिए, फिर बात आगे करती हूँ। की रति का स्वरूप जैसे कति की पे धूप तापे, घूंघटे की ओट नील जाए है बहुरिया। की रति का स्वरूप जैसे कति की पे धूप तापे, घूंघटे की ओट नील जाए है बहुरिया। कंत जी के संग खिल जाए अंग अंग, देखो भोर कौमुदी सी मुस्काए है बहुरिया। सास देवे गारी नंद हसे दे दे तारी, जाने कितने बहाने बतियाए है बहुरिया। और डरे सा कुचाए जाना दूर नहीं चाहे, तासे झूठ मूठ हथियां छुड़ाए है बहुरिया। डरे सा कुचाए जाना दूर नहीं चाहे, तासे झूठ मूठ हथियां छुड़ाए है बहुरिया। क्या बात, बहुत शुक्रिया। तो कहा ना ये जो नए प्यार का रंग होता है, देवर की तो लाइनें काट दी है। अभी ये नया है, देवर का नंबर आता है 1-2 साल के बाद। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। आप सभी को गोल्डी मसाले की ओर से हैप्पी होली। आप सभी को गोल्डी मसाले की ओर से हैप्पी होली। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। तो चलिए एक इसी नए प्यार
प्यार को, इस प्रेम के नवल रंगों को समर्पित एक गीत पढ़ती हूँ, आप सबका साथ मिले, सुनिएगा। कि नवल प्रेम, नवल प्रेम मत वाली हुई चाल, नवल प्रेम मत वाली हुई चाल, लेके नई बौर झूमे अंबिया की डाल, नैन झुके और सुर्ख हुए हैं, नैन झुके और सुर्ख हुए हैं, गोरिया के गाल बिना मले ही गुलाल, नवल प्रेम, नवल प्रेम मत वाली हुई चाल, नवल प्रेम। अब नया नया प्यार कैसा होता है सुनिएगा। स्वागत कि नया है सफर, नई नई राहें, नया है सफर, नई मंजिल, नई नई चाहें, नई मंजिल, सपनों की डोली को लग गए, सपनों की डोली को लग गए, नए नए पर लिया, नया है उछाल, नवल प्रेम, नवल प्रेम मत वाली हुई चाल, नवल प्रेम। और ये जो होली का मौसम होता है, ये जो फागुन की बयार है, ये सबसे ज्यादा जो आजकल का प्रचलित शब्द है, सबसे ज्यादा रोमांटिक समय होता है। सुनिएगा प्रकृति कैसे अपने नजारे बिखेर रही है, देखिएगा। कि नदी इतराती उपवन में है के, नदी इतराती मोर नाचे वन, चिड़िया चहके मोर नाचे वन, मन हिरनी सा नाचे जैसे, मन हिरनी सा नाचे जैसे, दे दी हो किसी ने कस तूरी निकाल, नवल प्रेम, नवल प्रेम मत वाली हुई चाल, नवल प्रेम। अंतिम बंद पढ़ती हूँ, नई दुल्हन के नाम करती हूँ, सुनिएगा। कि उड़े जो चुनर, उड़ उड़ जाए, उड़े जो चुनर, क्या कहने, मोड़े जो नजर उन पर जाए, मोड़े जो नजर, क्या बात, दुश्मन बन के बाजे छम छम, दुश्मन बन के बाजे छम छम, पायल संभालू या लू दिल को संभाल, नवल प्रेम, नवल प्रेम मत वाली हुई चाल, लेके नई बौर झूमे अंबिया की डाल, नैन झुके और सुर्ख हुए हैं, गोरिया के गाल बिना मले गुलाल, नवल प्रेम। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। चलते चलते दो जोगीरा पढ़ देती हूँ इन दोनों के नाम, आप सब भी आनंद लें, मजे लें और इस होली के त्योहार को मनाएं पूरे सुरक्षा के साथ, जागरूकता के साथ, क्योंकि कोरोना फिर से हवाओं में है, ऐसी कहते नहीं, ऐसी बातें चल रही हैं। सुनिएगा। स्वागत। कि बासंती मौसम हुआ बगियन बार सुहाए, बासंती मौसम हुआ बगियन बार सुहाए, सांसों में फागुन घुले मन होली हो जाए, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा, होली के हुड़दंग में भवरों को है छूट, होली के हुड़दंग में भवरों को है छूट, तितली रंग उड़ा रही लूट सके सो लूट, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा, गम की ढीली हो पकड़ फंसे प्रेम का फंद, गम की ढीली हो पकड़ कसे प्रेम का फंद, एक संग घुल जाएंगे महुआ और मकरंद, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा, धड़कन काबू में नहीं सकुचाया है मन, धड़कन काबू में नहीं सकुचाया है मन, रंग लगातन हो गया महका चंदन वन, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा। शुभ होली, अच्छी होली और एक बहुत बहुत मनभावन होली के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। पल्लवी त्रिपाठी का सादर प्रणाम। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।
नमस्कार। हमारे देश के वैज्ञानिकों ने काफी मेहनत के बाद कोरोना वैक्सीन बनाई है। कुछ लोग ये वैक्सीन लगवाने से डर रहे हैं। मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि ये वैक्सीन पूरी तरह से सेफ है। मैं खुद एक शुगर का मरीज हूँ और मेरे माँ बाबूजी काफ़ी बुजुर्ग हैं। मैंने ये वैक्सीन खुद भी लगवाई है और अपने माँ बाबूजी को भी लगवाई है। ये वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है, इसलिए मैं आपसे अपील करना चाहता हूँ कि अगर आप वैक्सीन लगवाने के लिए एलिजिबल हैं तो वैक्सीन जरूर लगवाइए। सभी सरकारी केंद्रों में ये वैक्सीन बिल्कुल मुफ्त है। मुझे आपकी सुरक्षा की बहुत चिंता है। अब कोरोना की वैक्सीन आ गई है, अगर अब भी हम वैक्सीन ना लगवाएं और हमें कोरोना हो जाए तो ये तो ठीक नहीं होगा ना। तो अगर आप वैक्सीन लगवाने के लिए एलिजिबल हो तो तुरंत जाकर वैक्सीन लगवाओ। और एक ज़रूरी बात, वैक्सीन लगवाने के बाद भी मास्क पहने, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहें। जय हिंद। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6:30 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। एक शानदार, जानदार और मन भावन काव्य पाठ आपने पल्लवी से सुना। बहुत शुक्रिया। और पल्लवी की कविताओं में आपने प्रवाह भी देखा होगा, पूरा ब्रज देखा होगा और उनका चित्रण जो उन्होंने किया बड़ा मन भावन, एकदम फागुन को उन्होंने प्रकट रूप यहाँ पर प्रस्तुत कर दिया। बहुत बहुत बधाई, तालियां बजाकर हम लोग पल्लवी का स्वागत करते हैं और कहते हैं कि हवा फागुनी चल रही, हवा फागुनी चल रही, पिया नहीं है पास, पिया नहीं है पास, करे ठिठोली नन दिया, वायरन लागे सास। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। तो पिछली बार भी आपने बड़ा प्यार दिया था हैं कि पिछली होली का थोड़ा सा गुलाल बचा रखा है, आपकी यादों को हमने इस तरह संभाल रखा। क्या बात। तो आइए गीतों के एक प्रसिद्ध हस्ताक्षर भाई धीरज सिंह चंदन की तरफ बढ़ते हैं। के बागों में इठलाती तितलियां अच्छी लगी, भाल पर लगी बिंदियां अच्छी लगी, और जब से गिनने लगा तेरे आने के दिन, मुझको अपने हाथ की उंगलियां अच्छी लगी। क्या बात है भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। और के न्यूज के सभी दर्शकों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं भी मोहब्बत का कवि हूँ, पल्लवी जी ने बहुत अच्छा काव्य पाठ करके यहाँ पर गई है, मैं 4 पंक्तियां उनको समर्पित करना चाहता हूँ, होली की 4 पंक्तियां उनको देना चाहता हूँ। सुनिए, कि हर तरफ प्यार की उमंग हो तो होली हो, हर तरफ प्यार की उमंग हो तो होली हो, मन मोहब्बत में भी मलंग हो तो होली हो, मन मोहब्बत में भी मलंग हो तो होली हो, सारी दुनिया में लगे रंग कुछ नहीं होगा, सारी दुनिया में लगे रंग कुछ नहीं होगा, तेरे आंचल पे मेरा रंग हो तो होली हो, तेरे आंचल पे मेरा रंग हो तो होली हो। और मोहब्बत की 4 पंक्तियां और, कि इससे पहले दिल से मेरे कोई बगावत हो जाए, इससे पहले दिल से मेरे कोई बगावत हो जाए, मुझको ऐसा रंग लगा रंगीन तबीयत हो जाए, राम करे ऐसा हो जाए इस फागुन इस होली में, राम करे ऐसा हो जाए
इस फागुन इस होली में, क्या बात है, मैं उसको जब रंग लगाऊं उसे मोहब्बत हो जाए, क्या बात, मैं उसको जब रंग लगाऊं उसे मोहब्बत हो जाए। श्रवण दादा बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं और हम लोग के बड़े हैं, हम लोग के बुजुर्ग हैं, मैं चार पंक्तियां उनको रखना चाहता हूँ कि ये दिल की अंगीठी, मैं क्योंकि होली का उत्सव है, होली में मस्ती चलती रहती है, मैं मस्ती की चार पंक्तियां दादा को समर्पित करना चाहता हूँ। कि ये दिल की अंगीठी में अब तक अंगार छुपाए बैठे हैं, 70 की उम्र हुई लेकिन श्रृंगार छुपाए बैठे हैं, होली में भांग चढ़ा बैठे, ये पके पुराने चावल हैं, ये पके पुराने चावल हैं, आंखों में ये पूरा मीना बाजार छुपाए बैठे, आंखों में ये पूरा मीना बाजार छुपाए बैठे हैं। चलिए एक छंद, क्योंकि संतोष भैया ने बहुत अच्छे अच्छे छंद पढ़े मोहब्बत के, मैं इस होली के महोत्सव में एक छंद रखना चाहता हूं आपके बीच में, कि प्यार का ये रंग, प्यार का ये रंग होली की तरंग में घुले तो पानी का मिजाज भी शराबी होना चाहिए, अब प्यार का ये रंग होली की तरंग में घुले तो पानी का मिजाज भी शराबी होना चाहिए, इधर से प्यार का सवाल उठने लगे तो उधर से प्यार भी जवाबी होना चाहिए, इधर से प्यार का सवाल उठने लगे तो उधर से प्यार भी जवाबी होना चाहिए, रूप के प्रबंध का निबंध पढ़ सके नन अंग अंग उसका किताबी होना चाहिए, अंग अंग उसका किताबी होना चाहिए, तू जो है मोहल्ले में तो कसम से पूरी होली तेरे गालों जैसी ही गुलाबी होनी चाहिए, तेरे गालों जैसी ही गुलाबी होनी चाहिए। आप देख रहे हैं की न्यूज खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं की न्यूज खबरों का सारथी। अच्छा, मोहब्बत की चार पंक्तियां रखता हूं, इसके बाद एक गीत स्वागत मैं आपके बीच में रखता हूं। कि सितम कितने भी कर लो तुम, सितम कितने भी कर लो तुम, न तुमसे कुछ कहेंगे हम, सितम कितने भी कर लो तुम, न तुमसे कुछ कहेंगे हम, तुम्हारी बेरुखी पर आंसुओं के संग बहेंगे हम, तुम्हारी बेरुखी पर आंसुओं के संग बहेंगे हम, तुम्हारे जिक्र में दिल में जहन में हम भले ना हो, तुम्हारे जिक्र में दिल में जहन में हम भले ना हो, तुम्हारे थे तुम्हारे हैं तुम्हारे ही रहेंगे हम, तुम्हारे थे तुम्हारे हैं तुम्हारे ही रहेंगे हम, क्या बात। अच्छा, एक गीत दादा पढ़ना चाहता हूँ मैं, एक मोहब्बत का गीत है, मैंने कुछ नया प्रयोग करने की कोशिश करी है इस गीत में, अगर अच्छा लगे तो ये के न्यूज के सभी दर्शक मुझे आशीर्वाद दें। स्वागत। मैं बंद रखता हूँ, मैं गीत रखता हूँ आपके बीच में। कि मैं तरवर तुम प्रेम लता हो, मैं तरवर तुम प्रेम लता हो,
फिर काहे की दूरी है। रूपवती का रूखा लहजा आखिर क्या मजबूरी है। शुष्क धरा सी क्यों बैठी हो, शुष्क धरा सी क्यों बैठी हो, यह सावन स्वीकार करो। तन मन महक उठेगा सारा, मन तन महक उठेगा सारा, यह चंदन स्वीकार करो। शुष्क धरा सी क्यों बैठी हो। गीत का पहला बंद रखता हूँ कि तुमने एक पलक ना देखा थोड़ा सा घबराया हूँ। तुमने एक पलक ना देखा थोड़ा सा घबराया हूँ, और तुम्हारी बिन मर्जी के अर्जी लेकर आया हूँ। और तुम्हारी बिन मर्जी के अर्जी लेकर आया हूँ। मुझको कोरे कागज पर अपना आलेख बना लो तुम, हस्ताक्षर अंकित करके अपना अभिलेख बना लो तुम, हस्ताक्षर अंकित करके अपना अभिलेख बना लो तुम। दफ्तर के बाबू के जैसा, दफ्तर के बाबू के जैसा अब तुम ना व्यवहार करो। दिल की रिश्वत भेज रहा हूँ, रिश्वत दिल की भेज रहा हूँ, आवेदन स्वीकार करो। बैठी हो यह सावन स्वीकार करो। दूसरा बंद रखता हूँ कि मेरा दिल तेरे दिल से मिल जाए दिल खिल जाएगा। मेरा दिल तेरे दिल से मिल जाए दिल खिल जाएगा। मिले समर्थन तेरा तो फिर बहुमत भी मिल जाएगा। मिले समर्थन तेरा तो फिर बहुमत भी मिल जाएगा। एक दूजे को एक दूजे का तारनहार बना ले हम, जन्म जन्म तक बनी रहे ऐसी सरकार बना ले हम, जन्म जन्म तक बनी रहे ऐसी सरकार बना ले हम, ऐसी सरकार बना ले हम। जग के बंधन तोड़ सभी है, जग के बंधन तोड़ सभी है, गठबंधन स्वीकार करो। रानी दिल की तुम्हें बना लूं, दिल की रानी तुम्हें बना लूं, सिंहासन स्वीकार करो। शुष्क धरासी क्यों बैठी हो, कैसा वर स्वीकार करो। तन मन महक उठेगा सारा, यह चंदन स्वीकार करो। और गीत का अंतिम बंद क्या बात है भाई, वाह वाह वाह। तुमको जीवन में पाकर जीवन जीवंत बना लूं मैं, तुमको जीवन में पाकर जीवन जीवंत बना लूं मैं। मन मंदिर में रख कर पूजूं पावन ग्रंथ बना लूं मैं, मन मंदिर में रख कर पूजूं पावन ग्रंथ बना लूं मैं। मुरली की तान बनूं, तुम पायल की झनकार बनो, प्यारी हो तुम इस प्यारे का प्यार भरा संसार बनो, प्यारी हो तुम इस प्यारे का प्यार भरा संसार बनो, प्यार भरा संसार बनो। मेरे मन की मधु बन जाओ, मेरे मन की मधु बन जाओ, फिर मधुबन स्वीकार करो। गोकुल बरसाने से बोले, बरसाने से गोकुल बोले, वृंदावन स्वीकार करो। शुष्क धरासी क्यों बैठी हो, यह सावन स्वीकार करो। तन मन महक उठेगा सारा, मन तन महक उठेगा सारा, यह चंदन स्वीकार करो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। होली की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी। बहुत सुंदर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार। हमारे देश के वैज्ञानिकों ने काफी मेहनत के बाद कोरोना वैक्सीन बनाई है। कुछ लोग ये वैक्सीन लगवाने से डर रहे हैं। मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि ये वैक्सीन पूरी तरह से सेफ है। मैं खुद एक शुगर का मरीज हूँ और मेरे माँ बाबू जी काफ़ी बुजुर्ग हैं। मैंने ये वैक्सीन खुद भी लगवाई है और अपने माँ बाबू जी को भी लगवाई है। ये वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है, इसलिए मैं आपसे अपील करना चाहता हूँ कि अगर आप वैक्सीन लगवाने के लिए एलिजिबल हैं
तो वैक्सीन जरूर लगवाइए। सभी सरकारी केंद्रों में ये वैक्सीन बिल्कुल मुफ्त है। मुझे आपकी सुरक्षा की बहुत चिंता है। अब कोरोना की वैक्सीन आ गई है, अगर अब भी हम वैक्सीन ना लगवाएं और हमें कोरोना हो जाए तो ये तो ठीक नहीं होगा ना। तो अगर आप वैक्सीन लगवाने के लिए एलिजिबल हो तो तुरंत जाकर वैक्सीन लगवाओ। और एक ज़रूरी बात, वैक्सीन लगवाने के बाद भी मास्क पहने, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहें। जय हिंद। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। मन महक उठेगा सारा, यह चंदन स्वीकार करो। चंदन ने अपने नाम को सार्थक करते हुए कुछ चंदनी रचनाएं यहाँ प्रस्तुत की। बिल्कुल, बहुत बहुत। के सूखा हूं तो क्या, सूखा हूं तो क्या पत्ते निकलेंगे, सूखा हूं तो क्या पत्ते निकलेंगे, इस सावन मेरे भी रिश्ते निकलेंगे। तो कुछ ये रिश्ते निकाल रहे थे, क्या बात, प्रेम के रिश्ते निकाल रहे थे। ये रिश्ते प्रेम से बढ़ते हुए पूरे देश में छाए और होली का हम लोग भाईचारे के साथ ये उत्सव मनाएं। हाँ, अब ये कवि गोष्ठी धीरे धीरे अपने आगामी स्वरूप की तरफ, अग्रिम स्वरूप की तरफ बढ़ रही है। और मैं तो कहता हूँ कि जरूरी नहीं कि चरागों से ही रोशनी हो, जरूरी नहीं कि चरागों से ही रोशनी हो, बेटियां भी घर में उजाला करती हैं। बहुत बढ़िया, तो हमारे शहर की बड़ी प्रसिद्ध कवित्री, वो जिसमें भी हाथ लगा देती हैं वो चंदन हो जाता है। चाहे वो छंद लिखे, चाहे वो दोहा लिखे, चाहे वो गीत लिखे, चाहे वो अतुकांत लिखे, उनमें भावनाओं की एक खासी महक दिखती है, है? कि कोई सूरज बनाता है, कोई जुगनू बनाता है, कोई सूरज बनाता है, कोई जुगनू बनाता है, मगर वैसा कहाँ बनता है जैसा तू बनाता है। उनकी लेखनी में अपनी एक विशिष्ट बात है, विशिष्ट शैली है। मैं बड़े सम्मान के साथ और पूरी विनम्रता से शीतल को आमंत्रित करता हूँ कि शीतल यहाँ आकर अपना काव्य पाठ के न्यूज के दर्शकों के सामने करें। बहुत आभार, बहुत आभार, स्वागत। आप सभी को होली की शुभकामनाएं देती हूँ और बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं हमारे बड़े भाई श्रवण दद्दू। अभी चंदन ने इतने अच्छे गीत सुनाए, वाकई हम बरसाने में ही हैं, ब्रज में हैं। तो चलिए वहीं से बात आरंभ करती हूँ। ब्रज में और होली की बात हो और ब्रज की बात ना हो तो रंगोत्सव अधूरा रहेगा। चलिए चलते हैं और देखते हैं कि गोपियाँ क्या कह रही हैं। जी, अरे बिल्कुल। गोपियाँ किस तरह से कृष्ण से कौन सा रंग डालने के लिए कहती हैं और कैसे उनको मना रही हैं। स्वागत है, देखिए एक छंद के माध्यम से। स्वागत है, स्वागत है। कि फागुन को भयो संग, फागुन को भयो संग, बयारों में घोली भंग, फागुन को भयो संग, बयारों में घोली भंग, देख के मैं हुई दंग, पिया रंग डारो ना। फागुन को भयो संग, बयारों में घोली भंग, देख के मैं हुई दंग, पिया रंग डारो ना। कजरा भी शर्माए, कजरा भी शर्माए, गजरा भी घबराए, अचरा भी लर जाए, ऐसे तो निहारो ना। तो तन को जो करे संग, काहे खेलूं ऐसो रंग, तन को जो करे संग, काहे खेलूं ऐसो रंग, मन को करे मलंग, ऐसो रंग डारो ना। तो नयनों में रंग भरो, नयनों में रंग भरो, नेह की उमंग भरो, प्रीत की तरंग भरो, वैसो रंग डारो ना। प्रीत की तरंग भरो, वैसो रंग डारो ना। और क्या कहती है कि मन से कपट हटे, मन से कपट हटे, बैर को ये घट घटे, प्रेम ही को मेरे घट घट में उतारो ना। मन से कपट हटे, बैर को ये घट घटे, प्रेम ही को मेरे घट घट में उतारो ना। तो जल में भी थल में भी, चल में अचल में भी, श्याम ही को रंग दिखे, ऐसो रंग डारो ना। कि प्रीत के ही रंग खिले, प्रीत के ही रंग खिले, रंगों का कवल खिले, षष्ठी के पटल को भी ऐसे रंग डारो ना। षष्ठी के पटल को भी ऐसे रंग डारो ना।
किस इस तरह से वो गोपियां कह रही हैं। और आप सब जानते हैं कि ब्रिज में इस समय होली महोत्सव चल रहा है, और कल कुछ गोपियों का मेरे पास फोन आया। अच्छा बात है। और गोपियां बोली हैं कि आपको पता है कि कान्हा भी आ चुके हैं रंग खेलने के लिए, और हम सब भी आ चुके हैं। अरे वाह। तो मैंने पूछा फिर क्या हो रहा है, तो उन्होंने अपनी जो बात बताई है, उन गोपियों ने, मैं वो बात आप तक पहुंचा रही हूँ। उनकी बात, आज का समय है कान्हा अपनी गोपियों के साथ रंग खेल रहे हैं, तो क्या कहती हैं? और गोपियों ने बताया कि होरी में हाय होरी में। एक बात और बताना चाहती हूँ कि जो गोपियां हैं अपने कान्हा को, अपने प्रिय को, वो कुछ भी कह सकती हैं। वो अपने कान्हा को इतना प्रेम करती हैं कि वो उसको काला भी कहती हैं, छिछोरा भी कहती हैं, नटखट भी कहती, कुछ भी कह सकती हैं, उनको छूट है, उन गोपियों को सब छूट है। तब वो कहती हैं कि होरी में हाय होरी में, होरी में हाय होरी में रे कनुआ, होरी में हाय होरी में रे कनुआ, कारो ले गौ मौज सखीरी, होरी मेरे कनुआ कारो लेगो मौज सकीरी, होरी मेरे बंसी बारो लेगो मौज सखीरी, होरी में बाके नैना तीर कटारी, बाके नैना तीर कटारी, नठिया घाग है शिकारी, बाके नैना तीर कटारी, नठिया घाग है शिकारी, बाने कर डारो पर पोज सखीरी, होरी बाने कर डारो पर पोज सखीरी, होरी रे रे मतवारो लगे मौज सखीरी, होरी में बाको रूप है सजीलो, कान्हा बड़ो ही छबीलो, बाको रूप है सजीलो, कान्हा बड़ो ही छबीलो, दे गयो प्रेम को ओवरडोज सखीरी, वाह वाह वाह, ओवरडोज का जवाब नहीं है, दे गयो प्रेम को ओवरडोज सखीरी, होरी मेरे हरियारो ले गयो मौज सखीरी, होरी में मेरो गोरो गोरो अंग बापे चढ़ गो श्यामल रंग, मेरो गोरो गोरो अंग बापे चढ़ गो श्यामल रंग, रगरू दस दस साबुन रोज सखीरी, होरी में रगरू दस दस साबुन रोज सखीरी, होरी में कारो छोरो लेगो मौज सखीरी, होरी में रे छिछोरो लेगो मौज सखीरी, होरी में बाकी मिसरी जैसी बोली, बाकी मिसरी जैसी बोली, बरबस करे बूठ ठोली, बाकी मिसरी जैसी बोली, बरबस करे बूठ ठोली, सेल्फी ले गयो देख के पोज सखीरी, होरी में सेल्फी ले गयो देख के पोज सखीरी, होरी में बंसी वारो ले गयो मौज सखीरी, होरी में। और अंतिम पंक्तियां, स्वागत है। मैं तो बात बताऊं सांची, मैं तो बात बताऊं सांची, कल तक कह रहे हो मौसे चाची, मैं तो बात बताऊं सांची, कल तक कह रहे हो मौसो चाची, छलिया कह गयो मौते भौज सखीरी, छलिया कह गयो मौते भौज सखीरी, होरी में कनुआ कारो ले गयो मौज सखीरी, होरी मेरे मतवारो ले गयो मौज सखीरी, होरी में। बहुत बहुत आभार आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया न्यूज, खबरों का सारथी।
अभी पल्लवी जी कह रही थी इन दोनों, एतराज है भाई मुझे हाँ। इन दोनों नहीं, ये हम लोगों के बड़े भाई हैं। अच्छा। साल में एक महीना जेठ का होता है तो होली के तुरंत बाद आता। क्या बात है, क्या बात है, बढ़िया बढ़िया। और मैं तो छोटा है ही हूं। जी बिल्कुल बिल्कुल। अब भैया का नंबर है, इनको काव्य पाठ करना है, ये हम लोगों के अग्रज हैं। जी। मैं चार पंक्तियां निवेदित करता हूं इनको कि चांद ये क्या करेंगे, मैं चार लाइन से बता रहा हूं कि ये करेंगे क्या। जी। चांद को धरती पर लाने की हिमाकत करेंगे। ये चांद को धरती पर लाने की हिमाकत करेंगे, धूप मुट्ठी में छुपाने की हिमाकत करेंगे, और अब अंगीठी में नहीं है आग का टुकड़ा कोई भी, फिर भी उसको ये जलाने की हिमाकत करेंगे। धन्यवाद संतोष भाई, बड़ा बढ़िया ये रंगोत्सव रहा, सबने प्रेम के इतने अनूठे रंग यहाँ बिखेरे कि हमको तो बड़ा आनंद आ गया, बड़ा मजा आ गया। लेकिन दिक्कत यह है कि जो निवेदन विवेदन होता है कि हम पुरुष लोग तो सब मान जाते हैं, और ये लोग जैसी कविताएं लिख रही हैं, अगर हम कहीं खड़े हो जाएं जाके तो कितनी दुर्घटनाएं झेल चुके हैं हम लोग। तो हम लोग के साथ तो एक यही दिक्कत है बड़ी कि अगर इनकी बात सच मान लो तो आपकी दुर्गति होनी है, एक दुर्गति कम नहीं है। अच्छा, औरतें नहीं सुनती, हम लोग इतना निवेदन, चंदन ने कितना बढ़िया निवेदन किया है ना। अब औरतों के दो कान तो होते ही, और उसके दो छेद रहते हैं, पांच छह छेद ये और करा लेती हैं, लेकिन बात नहीं सुनेंगी। मान लो तब भी दुर्गत है, और ना मानो तब भी दुर्गत है, लेकिन बात किसी की नहीं सुनेंगी। तो ये बड़ी हम लोगों के साथ चला करता है जी। तो आप देखिए कि हम तो व्यंग के कवि हैं, इन्होंने अपने ढंग से बात कही, लेकिन जो गति और दुर्गति है, तो मैं एक बता रहा हूँ आपको बात की। देखिए अब शादी के कितने साल हो गए, अब एल्बम निकाल के देखो तो हमारा चेहरा कैसा था, उनका चेहरा कैसा था, हैं है? हम लोग निकाल के कभी कभी देखते हैं, लेकिन एक चेहरा बिल्कुल नहीं बदला है। आज देख लो, बाल हाल चले गए संतोष, हैं हमसे दुगने हो गए, हम कैसे हो गए सब बाल हाल, सब क्या हालत हो गई, लेकिन एक चेहरा वैसे का वैसा दिखता है, वो है पंडित जी का चेहरा जो हमारी शादी करा रहे थे। और पंडित जी हमको आंखों आंखों समझा रहे थे कि बेटा समझ जाओ, हम समझ नहीं पाए, इतना उस समय अकल नहीं थी। अगर समझ जाते तो एक हास्य की कविता में प्रस्तुत कर रहा हूँ। जी स्वागत स्वागत। कि अब पंडित जी से हमने पूछा है, पंडित जी मतलब पंडितों को लोग विद्वान मानते हैं, उन्हीं से पूछ सकते हैं कि हमारी समस्या का हल करो। जी मैंने कहा पंडित जी, मैंने कहा पंडित जी एक प्रश्न का उत्तर बताइए, पहली गंभीर है जरा सुलझाइए, शादी के पहले बड़ी विनम्र और सुशील सी दिखने वाली गाय, विनम्र और सुशील सी दिखने वाली गाय अचानक अचानक शादी के बाद शेरनी कैसे हो जाती है। वाह वाह। अचानक शादी के बाद शेरनी कैसे हो जाती है, उसकी ममता करुणा कहाँ खो जाती है, वो इतनी हिंसक कैसे हो जाती है, वो इतनी हिंसक कैसे हो जाती है। पंडित जी बोले अरे बेटा, अरे बेटा शादी में पढ़े जाते हैं मंत्र, और मंत्रों में होती है शक्ति, और यह शक्ति का ही है चमत्कार कि वो गाय हो जाती है शेरनी, और यह शेर हो जाता है उसका शिकार। क्या बात है, मंत्रों का चमत्कार, गाय हो जाती है शेरनी, और ये शेर हो जाता है उसका शिकार, यानी शादी के बाद हो जाता है बिल्कुल बेकार, सास ससुर साली सलहज साढ़ू सढ़ुआइन इन्हीं संबंधों में झूल जाता है, और माँ बाप भाई बहन तक को भूल जाता है। अरे क्या, और माँ बाप भाई बहन तक को। और एक कविता मैं छोटी सी और प्रस्तुत कर दे रहा हूँ। आप देखिए कि कवियों के सामने तो समस्या ही समस्या है। हम लोग कवि सम्मेलन जाते हैं, कभी कभी क्या है कि अब पता नहीं इनका के वालों का क्या है, कभी कभी पेमेंट बड़ा कम मिलता है। अब पेमेंट कम मिलता है तो कभी कभी तो जेब से अपने आप लगा दिखाना पड़ता है कि हमारी उतनी बेइज्जती नहीं जितना तुम समझ रही हो। तो एक ऐसी घटना है हास्य कविता में। स्वागत है। रात्रि का बज रहा था दो, हम कवि सम्मेलन से लौट रहे थे घर, गहरी नींद में था शहर, हम घर के पास थे लेकिन बहुत उदास थे, बहुत उदास थे क्योंकि पेमेंट मिला था कम, खाया जा रहा था इसी बात का गम कि अचानक एक खाकी वर्दी ने हमें रोका, बहुत ही रोबीले अंदाज में टोका, कहां से आ रहे हो, हमने कहा प्रवचन सुना के, वो बोला कहां जा रहे हो, हमने कहा प्रवचन सुनने, वो बोला इतनी रात में कौन से महात्मा प्रवचन देते हैं, अरे हमने कहा हम कवि हैं, कवि सम्मेलन से आ रहे हैं, इतना कम पारिश्रमिक ला रहे हैं, और यह लिफाफा जब उसके हाथ में टिकाएंगे तो बताओ हमारी पूजा करेगी, आरती उतारेगी, मंगल गीत गाएगी, या फिर प्रवचन सुनाएगी। क्या बात है। वो बोला वो इतनी रात तक जागती है,
आपकी राह ताकती है। हमने कहा नहीं, वो तो चैन से सोती है, अपने ही पैसों के लिए नींद नहीं खोती है, दरवाजा तो पिताजी खोलते हैं। वो बोला वो प्रवचन नहीं बोलते। हमने कहा उनको तो हम खुद ही प्रवचन सुनाते हैं और सही सही जगह पर सही सही भूमिकाएं निभाते हैं, कहीं शेर तो कहीं बकरी तो कहीं मेमना हो जाते हैं। क्या बात है, आइए हम लोगों ने एक पूरा सत्र होली के महोत्सव के रूप में जिया, रंगोत्सव के रूप में जिया और ब्रज को भी यहाँ लाने की कोशिश की, प्रेम को फैलाने की कोशिश की। ये प्रेम, ये दुनिया प्रेम का विश्वविद्यालय है और ये प्रेम पूरे विश्व में फैले ताकि हम सब इस कोरोना काल के संक्रमण से ही और विश्व में आतंकवाद के संक्रमण से ही मुक्ति पा सकें और हर तरफ ये उत्सव महोत्सव आगे बढ़े और पूरा विश्व सुख और शांतिमय की तरफ आगे बढ़े, इस कामना के साथ होली की पुनः आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। खबरों का सारथी। नमस्कार। हमारे देश के वैज्ञानिकों ने काफी मेहनत के बाद कोरोना वैक्सीन बनाई है। कुछ लोग ये वैक्सीन लगवाने से डर रहे हैं। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि ये वैक्सीन पूरी तरह से सेफ है। मैं खुद एक शुगर का मरीज हूं और मेरे माँ बाबू जी काफी बुजुर्ग हैं। मैंने ये वैक्सीन खुद भी लगवाई है और अपने माँ बाबू जी को भी लगवाई है। ये वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है, इसलिए मैं आपसे अपील करना चाहता हूँ कि अगर आप वैक्सीन लगवाने के लिए एलिजिबल हैं तो वैक्सीन जरूर लगवाइए। सभी सरकारी केंद्रों में ये वैक्सीन बिल्कुल मुफ्त है। मुझे आपकी सुरक्षा की बहुत चिंता है। अब कोरोना की वैक्सीन आ गई है, अगर अब भी हम वैक्सीन ना लगवाएं और हमें कोरोना हो जाए तो ये तो ठीक नहीं होगा ना। तो अगर आप वैक्सीन लगवाने के लिए एलिजिबल हो तो तुरंत जाकर वैक्सीन लगवाओ। और एक जरूरी बात, वैक्सीन लगवाने के बाद भी मास्क पहने, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहें। जय हिंद। आप देख रहे हैं